कोरोना से निपटने और टीकाकरण की रफ्तार को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेने वाली है। केंद्र सरकार देश के कठिन और दूर दराज इलाकों में मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि ड्रोन के जरिए कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक कंपनियों को टेंडर भी भेज दिए गए हैं, जिन्हें 22 जून तक जमा करने को कहा गया है। आईआईटी कानपुर की ओर से की गए रिसर्च में बताया गया कि ड्रोन के जरिए वैक्सीन की सप्लाई की जा सकती है। मौजूदा समय में देश में सरकार के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदने का काम सरकारी कंपनी HLL लाइफ केयर कर रही है। इसकी सहायक कंपनी HLL इंफ्राटेक सर्विसेज ने लिमिटेड ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से देश के कठिन इलाकों में कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी के लिए 11 जून को बोलियां आमंत्रित की थी। अब तक केवल तेलंगाना में ही ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए आइडिया पर काम किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के लिए ICMR ने IIT कानपुर के साथ साझेदारी भी की है। इस मामले की निगरानी ICMR कर रहा है। ICMR ने ड्रोन के जरिए वैक्सीन की सफल सप्लाई के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया है। साथ ही वो कठिन इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का मॉडल भी तैयार करने पर काम कर रहा है। ICMR की तरफ से ऐसे ड्रोन की मांग की गई है जो कम से कम 4 किलोग्राम से भार के साथ 35 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है और कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। HLL ने साफ कर दिया है कि पैराशूट के आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी को तरजीह नहीं दी जाएगी। केंद्र की तरफ से बताए गए निर्देशों के अनुसार UAV को बेस स्टेशन के साथ लगातार ट्रैकिंग, नेविगेशन और संचार के लिए सक्षम होना चाहिए। ड्रोन सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरे और GPS के माध्यम से उसकी गतिविधियों को सही तरीके से नियंत्रण किया जा सके। HLL ने आगे कहा कि प्रस्तावित समझौता 90 दिनों के लिए होगा। हालांकि इसे UAV ऑपरेटर के प्रदर्शन और कार्यक्रम की जरूरत के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की इस नई मुहिम से उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां भी वैक्सीन पहुंच सकेगी जहां तक पे अब तक नहीं पहुंच पा रही थी और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज भी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।